तुम्हारी जिंदगी में ऐसे अनेकों बेवकूफ तुम्हें मिल जाएंगे देखने को, जो तुम्हें हमेशा डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, जो तुम्हें हमेशा रास्ते से हटाना चाहते हैं, जो तुम्हें चाहते हैं कि मतलब जब भी उनको दिखेगा ना कि तुम पढ़ने बैठ रहे हो या कुछ अच्छा काम करने बैठ रहे हो, तो तुमसे बोलेंगे आओ यार गेम खेलते हैं, आओ यार बैठो कहीं भी चाय वाय पीते हैं। क्योंकि वो इतने ऐसे लोग होते हैं जिनको पता है कि तुम अपने आप को बढ़ाना चाहते हो, लेकिन वो तुम्हें बढ़ने नहीं देना चाहते। कहीं ना कहीं वो खुद तुमसे छुप छुप के मेहनत कर रहे होंगे अपने लिए, लेकिन वह तुम्हें बढ़ने देना नहीं चाहते। ना जाने कैसी मेंटेलिटी होती है ऐसे लोगों की। लेकिन यार तुम सोचो ना, जब वो तुम्हें उठने नहीं देना चाहते तो फिर तुम उनके साथ क्यों अपना टाइम फूंक रहे हो, तुम अपने साथ उनके साथ क्यों लगे हुए अपना टाइम वेस्ट करने में। वो आदमी तो चाहता ही है कि तुम यार अपना टाइम वेस्ट करो उसके चक्कर में और अपनी लाइफ को बर्बाद कर लो, स्पॉइल कर लो। लेकिन तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना। तुम उससे साफ कह दो भाई, देखो भाई मेरे पास तो है नहीं टाइम, मैं फालतू ज़्यादा, और मेरे को ज़्यादा फालतू टाइम वेस्ट करना नहीं, तो तुम अपने काम से काम रखो। एक बार बुरा बन के कह दोगे ना, लाइफ टाइम के लिए आदमी तुमसे दूर रहेगा, बिल्कुल नहीं बोलेगा। लेकिन अगर नहीं कहोगे तो बार बार वो तुम्हारा टाइम वेस्ट करता ही रहेगा, और आज की डेट में बहुत ज़रूरी है बोलना, तो ना बोलना सीखो किसी को भी।